चुनावी समर के लिए तैयार हो चुके झारखंड में एनडीए ने सीटों का बंटवारा फाइनल कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड के बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीट बंटवारे को लेकर जानकारी दी, जिसके मुताबिक 81 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 68, अजासू 10, जेडीयू 2 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। सरसा सल रहा है, आगे भी कुछ सरसा सलेगा, ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं, लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हूं वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आशू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आशू लड़ने जा रहा है जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली जहां से आशू लड़ेगा, रामगढ़ आशू लड़ेगा, गोमिया आशू लड़ेगा, ईसागढ़ आशू लड़ेगा, मांडू आशू लड़ेगा, जुगसलाई आशू लड़ेगा, दुमरी आशू लड़ेगा, पाकुड़ आशू लड़ेगा, लोहारदगा आशू लड़ेगा, मनोहरपुर आशू लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा सरसा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आशू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आशू अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा, ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। 17 थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है और तो मैं आप लोगों को पहले वो आसाम की टोन भी है वो। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में एक दो सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आशू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं उस सरसा में एक दो इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है। सीट बंटवारे के साथ यह सवाल भी खड़ा हुआ है कि क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान सिर्फ 2 और 1 सीट लेकर खुश हैं? बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि विधानसभा चुनाव में उसका लक्ष्य किसी भी कीमत पर हेमंत सोरेन की सरकार को सत्ता से हटाना है और इसलिए सीट बंटवारे के मामले में सभी को लचीला रुख अपनाना होगा। वैसे झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवम्बर को वोटिंग होगी और 23 नवम्बर को वोटों की गिनती की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।